हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये पोंचो बना कर लाई हूँ और ये पोंचो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बनाया है मैंने 1 से लेकर 2 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। अब देखिए, मैं इसकी आपको लंबाई बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए, इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ है। इसका मेजरमेंट हो गया है और इसमें टोटल वूल लगी है 250 ग्राम। 200 ग्राम तो लेनी है पिंक कलर और 50 ग्राम लेनी है ब्लू कलर। और ये बुना है मैंने 6 नंबर क्रोशिया हुक से 3.5 मिलीमीटर से। अब देखिए, मैं पोंचों को बुनती हूँ। पोंचों को बुनना है। देखिए, पोंचों को अब मैं बुनती हूँ। पोंचों को बुनना है। इस तरह से मैंने ये नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 76 चेन डालूंगी। 76 चेन, तो देखिए इस तरह से डालना है। पूरी चेन में इसी तरह से डालूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरी चेन डाल दी है। 76 चेन डाली है मैंने। ये इस तरह से आ गई है बनकर। देखिए, इस तरह से मैंने ये 76 चेन डाल दी है। अब देखिए, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये चेन बनकर आ गई है। अगर बेबी के गले में ये चेन छोटी आती है तो आप इसमें चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं चेन को। अगर चेन छोटी आए तो ही बढ़ाएं, वरना ऐसे ही रहने देना इसको। अब देखिए, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। 38 इधर रखने हैं और 38 इधर रखने हैं। टोटल इसमें 76 हैं, तो हाफ हाफ करने हैं। तो देखिए, मैं काउंट करके मार्क लगाती हूँ। काउंट करने के बाद मार्क लगाना है। देखिए, यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगी। थर्टी एट इधर है और 38 इधर है। देखिए, अब देखिए, मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन डालना है। 1 2 3, 3 चेन और डबल क्रोशिया। इसी में ही डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब मैं बन चेन लूंगी। इस तरह से मैंने बन चेन को ले लिया है। अब नीचे से भी बन चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। ऊपर से भी बन चेन और नीचे से भी बन चेन को स्किप करना है। तो ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए, बन चेन और नीचे से भी बन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 और नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। इस तरह से अलग अलग चेन में मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 3 डबल क्रोशिया, बन चेन, नीचे से बन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया, बन चेन और नीचे से बन चेन को स्किप करना है। इसी तरह से यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक कंप्लीट करना है।
देखिए इस तरह से मैंने ये 3-3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए बन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है 6 डबल क्रोशिया। देखिए जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है वहाँ पर डालूँगी मैं 6 डबल क्रोशिया। बन टू और एक ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया और एक ये 3, टोटल हो गई ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए एक ये फ्रंट में आएंगे 6 डबल क्रोशिया और एक ये बैक में आएंगे, एक। देखिए यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, बन चेन लेना है और नीचे से भी बन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गया बन डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी डालना है डबल क्रोशिया, 2, नेक्स्ट चेन में भी डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। देखिए बन चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर बन चेन, नीचे से बन चेन को स्किप करना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है, बन 2 और एक ये 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर बन चेन, नीचे से बन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, बन 2 और एक ये 3। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी, 3 डबल क्रोशिया, बन चेन और नीचे से बन चेन को स्किप करना है और एक ये 3 डबल क्रोशिया, फिर बन चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए 9 क्लस्टर डाले हैं और 9 इधर डाले हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 ही नहीं इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, दोनों तरफ 9 9 क्लस्टर डाले हैं। अब देखिए मैं इसकी दूसरी रो बनाती हूँ, सेकेंड रो बनानी है, बुननी है, इसी तरह से मैं बुनूंगी। देखिए 1 2 3 3 चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया, देखिए 6 डबल क्रोशिया ये हो गए हैं। अब देखिए वन चेन लेना है, बन चेन और यहाँ पर मैं चेन में, बन चेन में 3 डबल क्रोशिया डालूँगी, बन चेन में यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशिया डालूँगी, 1 2 और एक ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दी है, बन चेन और यहाँ पर फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए बन चेन, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए इसी तरह से बन चेन और 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है, फिर मैं यहाँ पर बताऊँगी। इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया और बन चेन डाल दिए हैं। अब देखिए ये पोंचो की फ्रंट साइड आ गई है, अब यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूँगी, बन चेन और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, देखिए 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, देखिए ये बैक में भी आए हैं 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहीं से ही पोंचो आगे को बढ़ता है,
यहाँ से बढ़ता है और यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने वन क्लस्टर को इंक्रीज कर दिया है, यहाँ से वन, और फिर यहाँ से भी मैं अब इंक्रीज करूँगी वन चेन। अब यहाँ पे डालना है थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और एक ये थ्री। देखिए यहाँ से भी मैंने वन क्लस्टर को इंक्रीज कर दिया है, यहाँ से वन चेन और डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया डालना है चेन में, यहाँ पर पर और यहाँ पर। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी वन टू और एक ये थ्री, थ्री डबल क्रोशिया वन चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है और देखिए दूसरी रो बनकर ये आ गई है सेकेंड रो। देखिए ये पोंचो का गला बन गया है इस तरह से। अब देखिए आगे को इसी तरह से मैं बुनूंगी वन चेन थ्री डबल क्रोशिया और फ्रंट में और बैक में सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री चेन डबल क्रोशिया, ये हो गए टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं वन चेन डालूँगी और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और एक ये थ्री, थ्री डबल क्रोशिया वन चेन थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं बुनूंगी थ्री डबल क्रोशिया वन चेन थ्री डबल क्रोशिया वन चेन थ्री डबल क्रोशिया वन चेन डालते हुए मैं रो को यहाँ तक बुनूंगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने ये वन क्लस्टर को इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पर भी दोनों जगह। अब वन चेन और यहाँ पे डालना है सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू और एक ये थ्री, थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए सिक्स डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं, देखिए सिक्स डबल क्रोशिया, इधर की साइड को कंप्लीट कर दिया है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए इधर की साइड भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन डबल क्रोशिया डालना है थ्री, ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन चेन थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए थ्री डबल क्रोशिया, देखिए मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं वन चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना, इस तरह से मैंने ये आगे को बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से ये आ गया है पोंचो, इसी तरह से ये आगे को बढ़ता जाएगा पोंचो, थ्री डबल क्रोशिया और वन चेन डालते हुए, और फ्रंट से और बैक से डालना है सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया डालने हैं और देखिए यहीं से ही पोंचो आगे को बढ़ेगा। देखिए ये यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने ये इंक्रीज कर दिया था यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर भी, देखिए इस तरह से अब यहाँ पर इंक्रीज होना है, बढ़ने हैं यहाँ पर, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा फ्रंट से भी और ये बैक से भी। देखिए दोनों साइडों से बराबर बढ़ाते हुए मैं पोंचो को आगे को बढ़ाऊंगी बुनूंगी। देखिए इस तरह से मैंने पोंचो को अब इतना बड़ा बना लिया है, मैंने इसमें ये 21 रो बनाई हैं, 21 रो।
21 रो मैंने इसमें ये कंप्लीट कर दी हैं। अब देखिए मैं नीचे से इसका बॉर्डर बनाती हूँ, नीचे से बॉर्डर बनाना है। तो देखिए मैं बॉर्डर को अब बुनती हूँ, 1 2 3 4 5 5 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है। अब 1 2 2 चेन और 1 चेन नीचे से स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए 1 2 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए 1 2 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी। रो को कंप्लीट करना है 2 चेन और डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया और नीचे से 1 चेन को स्किप करना है। 1 2 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया। फिर 1 2 2 चेन, 2 चेन इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। फिर 1 2 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये कोने पर आएगा, इस तरह से आएगा ये। देखिए इसी तरह से अब मैं इसमें रो को कंप्लीट करूँगी। रो को कंप्लीट करना है 2 चेन और डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है। अब 2 चेन, अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, 1 2 3 इस चेन में, 3 चेन में यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, देखिए ज्वाइन कर दिया है और इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए 2 चेन और डबल क्रोशिया ही डाले हैं। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ, आगे की रो बनानी है, बुननी है। वन 2 3 3 चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए 2 3 और एक ये 4। देखिए ये मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। थ्री और एक ये 4, 4 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, इसमें नहीं डालना है, आगे वाले में डालना है, इसको स्किप करना है। 1 2 3 और एक ये 4, 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए 1 2 2 चेन, इसमें नहीं डालना है, आगे वाले में डालना है चेन में। 1 2 3 और एक ये 4। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी 4 डबल क्रोशिया डालते हुए और 2 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी,
इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है और रो इस तरह से बनकर आ गई है। ये 4 डबल क्रोशिया डाले हैं और 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन। देखिए अब आगे की रो बनाती हूँ मैं इसकी बॉर्डर की। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। देखिए आगे को मैंने ये बढ़ा दिया है स्लिप स्टिच लेते हुए। अब देखिए 1, 2, 3 चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और एक ये 4। देखिए इसमें मैंने ये टोटल 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं 8 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करूँगी। 8 डबल क्रोशिया डालने हैं, ये हो गए 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, 2, 3 और एक ये 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया टोटल हो गए हैं ये 8 डबल क्रोशिया। इसी तरह से चेन में 8 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, 8 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए ये रो मैंने अब कंप्लीट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और ये रो इस तरह से बनकर आ गई है। देखिए 2 चेन 8 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ, आगे की रो बुननी है। देखिए बुनूंगी मैं 1, 2, 3 और एक ये 4, 4 चेन और डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए हैं 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। अब डालूंगी 1 चेन और यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 चेन और डबल क्रोशिया। टोटल इसमें मैं 10 डबल क्रोशिया डालूंगी, 10 डबल क्रोशिया डालना है, 1 चेन डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए हैं 10 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डबल क्रोशिया ये मैंने डाल दिए हैं। डालूंगी 1 चेन और यहाँ पे डालना है 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आ रहे हैं डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। इस तरह से डाल रही हूँ मैं डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। देखिए
ये हो गए हैं 10 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 10 डबल क्रोशिया डालना है, बीच में बंचेन। और देखिए अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए 1 और 1, ये 2 चेन लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूँ। पूरी रो में मैंने 1 डबल क्रोशिया बन चेन डाले हैं, इस तरह से ये आ गई है, इस तरह से ये बॉर्डर आ गया है। देखिए अब देखिए इसकी मैं लास्ट रो बनाती हूँ। लास्ट रो बनानी है और इसमें मैं ब्लू कलर लगाऊंगी, ये कलर मैं लगाऊंगी। देखिए इसके लिए मैंने ये माइक्रो बूल ली है, ओसवाल की है ये माइक्रो, 3-ply बूल है ये। तो ब्लू कलर अब मैं लगाती हूँ। देखिए अब मैं बुनती हूँ, यहाँ से मैं बुनूंगी। वन टू थ्री, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 2 3, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन नेक्स्ट चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से डालना है, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक मैं बुनूंगी, यहाँ तक कंप्लीट करना है। 1 2 3, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 2। देखिए इस तरह से मैंने 2 लीफ के ऊपर ये सिंगल क्रोशिया और 3 चेन डाल दिए, इस तरह से आए हैं ये 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। और देखिए फ्लावर बनाना है, इसको बंद कर देना है। तो यहाँ से मैं बुनूंगी, देखिए यहाँ से डाला और फिर इसको मैं बुनूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से ये आएगा, 1 2 3, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, 3 चेन सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन गया है, देखिए डिजाइन इस तरह से ये बन गया है। वन टू थ्री, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ तक मैं बुनूंगी, 2 लीफ को फिर से मैं बुनूंगी। देखिए इस तरह से 2 लीफ पर मैंने ये 3 चेन और सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 और एक ये 2 पर डाल दिए हैं मैंने। अब देखिए यहाँ से मैं इसको बंद करना है, यहाँ से इसमें डालना है और फिर मैं इसमें डालूंगी इस तरह से। फिर 1 2 3, 3 चेन नेक्स्ट चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए डिजाइन इस तरह से ये बन गया है, देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन रहे हैं। पूरे में मैं इसी तरह से बुनूंगी, देखिए यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशिया
और 3 चेन डालूंगी, यहाँ तक डालना है। वन टू थ्री, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, 3 चेन सिंगल क्रोशिया। देखिए फिर से मैंने ये 2 लीफ में ये सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं और 3 चेन 2 लीफ में। अब देखिए मैं बुनती हूँ, यहाँ से बुनूँगी, इसको छोड़ देना है इस लीफ को, और यहाँ से डालते हुए बुनना है। देखिए यहाँ से 3 चेन में डालना है क्रोशिया को, इस तरह से, देखिए यहाँ से डालना है और यहाँ इस तरह से बुनना है, इस तरह से बंद करना है इसको, फ्लावर को बुनना है। वन टू थ्री, 3 चेन और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन गया है, ये फ्लावर बन गया है और ये लीफ बन गई है। देखिए इस तरह से ये आएंगे बनकर, इस तरह से ये फ्लावर आएंगे। अब इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालते हुए मैं और इस तरह से फ्लावर बनाते हुए रो को मैं कंप्लीट करूँगी, कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 चेन और सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ से मैं बुनूंगी, यहाँ से क्रोशिया को डालना है, देखिए, और देखिए फ्लावर बनाना है, इसको बंद कर देना है यहाँ से लेकर धागे को, देखिए इस तरह से, वन टू थ्री, 3 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी और वन टू, 2 चेन लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से ये फ्लावर आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये पोंचो का बॉर्डर आ गया है बनकर। पूरे बॉर्डर में मैंने ये इस तरह से ये डिज़ाइन डाला है, फ्लावर बना दिए हैं, देखिए इस तरह से आया है डिज़ाइन। देखिए यहाँ पर मैं इसे सुई से अटैच कर देती हूँ जिससे कि ये इधर को नहीं हो, इस तरह से नहीं हो फ्लावर, तो मैं इसको यहाँ से सुई से अटैच कर देती हूँ, सुई से अटैच करना है। तो अटैच में फिर सुई से बात को करूँगी, पहले मैं ये इसका पोंचो का गला बनाऊंगी, गला बनाना है। तो देखिए पहले मैं गला बनाती हूँ, फिर बाद में इसमें अटैच करूंगी। देखिए गले को बुनना है, यहाँ से मैं बुनूंगी गले को, देखिए वन चेन और सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया को डालना है, पूरी रो में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया ये आ रहे हैं, देखिए सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया डालते हुए मैं रो को कंप्लीट करूंगी। देखिए पूरी रो में मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, बैक से भी और फ्रंट से भी मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, पूरे गले में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से ये आए हैं सिंगल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसकी दूसरी रो बनाती हूँ, वो भी सिंगल क्रोशिया ही डाल के बुनना है। देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाऊंगी, इस तरह से बंद कर देती हूँ, वन चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बुनना है। देखिए ये पोंचो की फ्रंट साइड आ गई है, देखिए फ्रंट साइड ये आ गई है पोंचो की। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी, इसको नहीं बुनूंगी, फिर यहाँ से भी मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी, इसको नहीं बुनना है। ये हो गए 3, फिर एक साथ इनको बुनना है। देखिए यहाँ से मैंने 1 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है गले की शेप लाने के लिए। इसी तरह से मैं
बैक से भी करूँगी। अब सिंगल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए ये पोंचो की बैक साइड आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं इसी तरह से बुनूँगी, वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया, ये हो गए हैं थ्री, और एक साथ इनको बुनना है। देखिए यहाँ से मैंने इसको बुन दिया है, वन सिंगल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है, गले की शेप लाने के लिए डिक्रीज किया है। और देखिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है, रो को कंप्लीट करना, इस तरह से ये आ रहा है गला। देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, ये रो बनकर आ गई है, ये फ्रंट से और ये बैक से। अब आगे की रो बनाती हूँ मैं, इसकी बन चेन और सिंगल क्रोशिया ही डालना है, बन चेन और सिंगल क्रोशिया। अब देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी, यहाँ से भी डिक्रीज करना है वन सिंगल क्रोशिया को। इस तरह से मैंने वन सिंगल क्रोशिया लिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी डालना है, ये हो गए हैं थ्री। अब एक साथ इनको बुन देना है, देखिए इस तरह से यहाँ से मैंने डिक्रीज कर दिया है। अब सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है, देखिए इस तरह से ये आ रहा है गला। देखिए अब सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनूंगी और मैं बैक से भी इसी तरह से बुनूंगी। अब देखिए ये गले की बैक साइड आ गई है। अभी यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूंगी, वन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनना है, फिर इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है, इस तरह से। अब तीनों को एक साथ बुनना है, देखिए इस तरह से। अब सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए अब मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है, देखिए वन चेन। अब देखिए इस तरह से गला मैंने कंप्लीट कर दिया है, तीसरी रो कंप्लीट कर दी है गले की। मैं एक और रो बनाती हूँ अब इसकी। देखिए अब इसकी मैं चौथी रो बनाती हूँ, वन चेन और सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से ही सिंगल क्रोशिया को डालना है। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है गले की, और मैं ये फोर्थ रो बना रही हूँ, चौथी रो वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। अब एक साथ इनको इस तरह से बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने वन सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से मैं सिंगल क्रोशिया डालते हुए दूसरी साइड भी बुनूंगी, ये फ्रंट साइड है। देखिए अब ये बैक साइड आ गई है, यहाँ पर भी मैं इसी तरह से डालूंगी सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। देखिए अब इनको ये हो गए थ्री, और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने वन सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, वन सिंगल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है। अब देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर बुनते हुए ज्वाइन कर दूंगी स्लिप स्टिच लेते हुए। देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से कंप्लीट कर दी है। और देखिए फोर रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है गले में, फोर रो कंप्लीट हो गई है गले में। अब देखिए इसमें मैं ये ब्लू कलर लगा देती हूँ, एक और रो बनानी है। देखिए वन चेन लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ही डालूंगी, पूरी रो में सिंगल क्रोशिया डालना है।
तरह से बन चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया आएंगे। देखिए बन चेन और सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से ये आ रहे हैं। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, और यहाँ भी वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं। अब इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। बैक साइड आ गई है गले की, यहाँ पर भी मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, वन और एक ये टू, फिर यहाँ भी वन और एक ये टू। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है और ये गला कंप्लीट हो गया है, गला कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से अब ये गला आ गया है, बनकर पहुंच चुका। इसमें मैंने ये फाइव रो कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने ये यहाँ पर टाका लगा दिया है, सिल दिए हैं। देखिए फ्लावर ये यहाँ से, नहीं तो इस तरह से ये हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर टाका नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर नहीं सिलूंगी तो। देखिए इस तरह से मैंने सिल दिए हैं, देखिए ये नहीं सिला है तो देखिए इस तरह से आ गया है ये। देखिए इस तरह से लगाना है, इस तरह से इसको सिल देना है। यहाँ से ये जो टू चेन है इसमें डालना है इस तरह से, देखिए टू चेन में डालना है और यहाँ पर से वन टू थ्री, थ्री लेने हैं। देखिए थ्री डबल क्रोशिया में डालना है सुई को, इस तरह से लेना है। देखिए इस तरह से लेना है और इस तरह से बांध देना है इसको। देखिए नोट लगा देना है, देखिए अच्छे से मैंने इसमें ये नोट लगा दी है। अब देखिए फ्लावर बन गया है यहाँ से नीचे से ऊपर। यहाँ पर मोती भी आप लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाए हैं। इस तरह से मैं इसको धागे को कट कर देती हूँ। देखिए अटैच हो गया है अब ये फ्लावर। अब देखिए ये वाला भी मैं यहाँ से सिल देती हूँ। वन टू थ्री, थ्री में डालना है डबल क्रोशिया में बैक से, यहाँ से देखिए बैक से मैंने डाल दिया है ये, और इस तरह से नोट बांध देना है। बहुत ही इजी है ये, देखिए इस तरह से मैंने ये नोट बांध दी है अच्छे से। अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से अब मैंने ये पोंचो कंप्लीट कर दिया है, इसका बॉर्डर भी मैंने अब ये कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से ये बॉर्डर बनकर आया है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।